Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeiture and reissue share related problem. Okay, for example, ABC Limited forfeited 150 equity share of state each issued at premium of Rs. 5 per share for non-payment of allotment money Rs. 8 per share including premium of Rs. 5 per share. The first call Rs. 2 per share and the final call Rs. 3 per share. Out of these 100 equity share were reissued at Rs. 14 per share. Okay. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितना था 150 शेयर था एक शेयर की प्राइस कितने की है 10 रुपीस की है प्रीमियम कितने का है 5 रुपीस का है शेयर होल्डर जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी उसमें से जो शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया क्या-क्या नहीं पेमेंट किया अलॉटमेंट जो 8 रुपीस का था इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए का है फर्स्ट कॉल रुपीस 2 रुपीस का है एंड सेकंड फाइनल कॉल कितने रुपीस का है 3 रुपीस का है जिसने पेमेंट नहीं किया कंपनी उसमें से कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है टोटल 150 को फॉरफिट किया और 100 शेयर को रीइशू कर दिया कितने रुपीस में 14 रुपीस पर शेयर के बेसिस पे उसने रीइशू कर दिया ओके तो अब देखते हैं क्वेश्चन में था क्या 150 शेयर है 150 शेयर से कितना शेयर है 150 शेयर ठीक है अब एक शेयर की प्राइस कितने रुपीस की बता रहा है कंपनी एट द रेट ऑफ रुपीस 10 का प्लस 5 यानी 15 रुपीस 10 रुपीस तो ये शेयर की फेस वैल्यू हो गई ये वाली और इसके बाद ये क्या हो गया प्रीमियम अब कंपनी कह रही है जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर था वो क्या क्या पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अब देखिए अलॉटमेंट कितने रुपीस का था अलॉटमेंट बता रही है 8 रुपीस की थी फर्स्ट कॉल बता रहा कितने का रुपीस 2 का एंड सेकंड कॉल कितने रुपीस का है 3 रुपीस का अब अलॉटमेंट 8 रुपीस की थी उसमें क्या था प्रीमियम कितने रुपीस की थी 5 रुपीस का प्रीमियम था ये था सर क्वेश्चन में कंपनी कह रही है 250 शेयर को कंपनी ने क्या किया फॉरफिट की तो कंपनी के यहां पे जो जर्नल एंट्री हो रही है इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड में जो जर्नल एंट्री होगी तो वो क्या हो जाएगी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अब ये देखिए कंपनी ने प्रीमियम यहां पे यूज क्यों किया क्योंकि उसने पर्टिकुलर अलॉटमेंट नहीं दिया था अलॉटमेंट में क्या थी इंक्लूडिंग प्रीमियम की थी अगर प्रीमियम अनपेड होगा तो प्रीमियम के अमाउंट कहां पे आएगी वो डेबिट में आएगा अब फॉरफिटेड शेयर टू किसका से पेमेंट नहीं था अनपेड कॉल में कौन कौन सा था टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं दिया फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ठीक है अब देखिए कंपनी के पास शेयर नंबर कितने नंबर ऑफ शेयर कितने थे 150 और एक शेयर की प्राइस कितना बता रहा है 10 रुपीस का यानी कैपिटल में कॉल अप अमाउंट में कितना आएगा 150 इंटू 10 1500 प्रीमियम कितने का है यहां पे प्रीमियम कितने का है 5 रुपीस का तो 150 इंटू 5 कितना हो गया यहां पे 750 अब देखिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया अलॉटमेंट कितने रुपीस का था 8 रुपीस का था तो कितने से आ गया 150 इंटू 8 जब 150 इंटू 8 किया तो कितना अमाउंट ने पे किया तो उसने 1200 ओके अब देखिए फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया था 2 रुपीस का तो 150 नंबर ऑफ शेयर कितना 150 इंटू 2 300 उसने सेकंड फाइनल कॉल नहीं दिया तो कितना नहीं दिया 150 इंटू 3 450 अब यहां पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि कितना इसके प्रॉफिट के अमाउंट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं इनको ऐड किया
डेबिट को ऐड किया, क्रेडिट को ऐड माइनस किया, ऐड करके माइनस कर दिया, जो बैलेंसिंग अमाउंट है यानी इन दोनों को ऐड किया, इन तीनों को भी ऐड किया, जो इसमें से इसको माइनस किया जो अमाउंट आई, बैलेंसिंग अमाउंट आ गई, वो फॉरफिचर, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग मेथड के बेसिस पर आ जाता है कि बैलेंस निकाल दिया। लेकिन अगर आपको चेक भी करना है कि कैसे है, क्या आपका सही है कि नहीं, तो अब देखो कंपनी का एक शेयर कितने का था, 15 रुपीज का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें से 8 + 2 + 3 यानी 8 + 2 = 10 + 3 13 रुपीज उसका पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट कितना किया, मान लीजिए उसने अलॉटमेंट पे किया होगा तो अलॉटमेंट कितने रुपीज की रही, सॉरी एप्लीकेशन पे किया होगा तो एप्लीकेशन कितने रुपीज की रही होगी, 2 रुपीज की, यानी यहां पे पर पीरियड में कितना आ गया, 150 × 2 = 300। एक बैलेंसिंग के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और इतना देखा जा सकता है कि कंपनी की प्रॉफिट में हमेशा वो अमाउंट आती है जो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने उसको पेमेंट किया होगा, ठीक। तो अब नाइसन क्या हो जाएगा, बीइंग कितने शेयर को प्रॉफिट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कितने शेयर को, बीइंग 150 शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए कंपनी कर रही है इसमें से जो शेयर थी उसको री इशू कर रही है, कितने शेयर को री इशू कर रही है, 100 शेयर को री इशू कर रही है, और कितने रुपीज में कर रही है, 14 रुपीज में, यानी कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो कितने का था, 10 रुपीज का था, लेकिन एक्स्ट्रा में कर रही है, तब यहां पे फॉरफिट का यूज नहीं होगा। वहां पे क्या, कंपनी जब एक्स्ट्रा री इशू कर रही है तो वहां पे किस चीज का यूज करते हैं, वो प्रीमियम का। तो जो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से आएगी, लेकिन कंपनी ने एक्स्ट्रा में किया हुआ, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए से कर रही है, 4 रुपए से कर रही है, तो 4 रुपए से क्या जाएगा, उसका प्रीमियम आएगा। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए कंपनी ने कितने से, कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है, 100 शेयर पे कितने रुपए से आ रहा, 14 रुपीज से, यानी कितना आ रहा है यहां पे, 1400। कंपनी की कैपिटल में कितना जा सकता है मैक्सिमम, कंपनी की स्पेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपीज की है, तो कैपिटल में कितना आएगा, 100 × 10 कितना आ गया यहां पे, 1000। अब कितना एक्स्ट्रा ली थी कंपनी ने, 4 रुपीज मांगा है एक्स्ट्रा, तो 1000 × 4 = 400, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है 150 शेयर की, उसमें से 100 शेयर को रीइश्यू कर रही है 14 रुपीज में, यानी कि किसमें कर रही है, वो प्रीमियम पे। तो नेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फॉरफिटेड 150 शेयर रीइश्यू। ओके, अब देखो रीइशू करने के बाद जब भी रीइशू होगी तो हमेशा जब भी कंपनी जब उसे फॉरफिट करने के बाद, अगर केवल फॉरफिट की है उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है तब की कंडीशन, तो कुछ अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ कैपिटलाइजेशन में, लेकिन अगर कंपनी रीइशू की हुई है तब वो निकालते हैं कि कैपिटलाइजेशन में कितनी अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो कंपनी ने यहां पर रीइशू किया हुआ, तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इसमें भी दो टाइप से देख सकते हैं कि कंपनी को 150 शेयर पे मिला कितना था, इसको 300, ठीक है। तो 1 शेयर पे कितना होगा, यानी दो टाइप से बता देता हूं, 150 शेयर पे कंपनी को मिला था कितना, 300, तो 1 शेयर पे कितना आएगा, तो 300 / 150 किया तो कितने रुपीज है, ₹2। कंपनी ने यूज कितना किया है, 100 शेयर को रीइशू कर दिया, क्या उसमें कुछ यूज हुआ, तो इसलिए 100 शेयर के लिए प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आएगी, 100 × 2 किया तो कितना आ गया, 200। रीइशू में कंपनी ने कुछ यूज किया हुआ, यूज नहीं किया हुआ, तो यही अमाउंट कहां चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। एक इस टाइप से आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, अब देखते हो कि प्रॉफिट में मिला कितना था कंपनी को, 2 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, लेकिन कंपनी ने रीइशू में उसका यूज किया है नहीं किया है, यानी जो 2 रुपए पर शेयर उसकी क्या होगी, पर शेयर 2 रुपए के 2 रुपीज के हिसाब से उसकी क्या होगी, कैपिटल प्रॉफिट हुई। अब कंपनी यहां पर रीइशू कितना शेयर कर रही है, 100 शेयर कर रही है, तो कैपिटल रिजर्व में कितने से जा सकती है, 100 × 2 = 200 रुपीज कहां चली गई, कैपिटल रिजर्व में, बीइंग
गेन ऑन किसमें गेन हुआ है री इशू ऑफ 100 शेयर ठीक है 100 शेयर का जो था ट्रांसफर कहां कर रही है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ठीक है ये तो था कि कंपनी ने जो ट्रांसफर किया हुआ है कहां पे की हुई है कंपनी कैपिटल रिजर्व में अब इसके बाद ये और प्रॉब्लम लेके आएंगे अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए ओके थैंक यू